हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरा ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अर्चना ब्लॉग्स। तो मैं आज आपको एक नई डिश बनाकर दिखा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और देखें मैं क्या डिश बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए पोहा। पोहे को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे टोकरी में छान लिया और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी मिला देती हूँ। इस तरह से ये काफ़ी ये खिला खिला बनेगा। चीनी को हम अगर इस तरह से मिला देंगे तो पोहा काफ़ी खिला खिला सा बनता है। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से चीनी को इसमें मिला देंगे। यहाँ पर मैंने पोहे में डालने के लिए हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज और ये थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता ले लिया है। छोटे छोटे पीस में ये टमाटर प्याज काट लिए हैं और ये थोड़े से आलू हैं जो मैंने काट लिए हैं। एक आलू काटा है, एक प्याज और एक टमाटर। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ये सरसों का तेल लिया हुआ है जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये कच्ची मिर्च ली है, इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई करके हम पोहे में डालेंगे तो इससे पोहा काफ़ी टेस्टी लगता है। इस तरह से मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन फ्राई कर लूँ। इस तरह से ये देखिए मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और इतना ही हम फ्राई करते हैं, बस वो जलने ना पाए इससे पहले ही उन्हें बाहर निकाल लें। और यहाँ पर मैंने देखिए प्याज और आलू को एक साथ डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्का लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो चुका है और जो मैंने भिगो कर रखा था पोहा उसे मसालों में ऐड कर दिया है। इस तरह से देखिए कितना खिला खिला और कितना अच्छा पोहा टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए हमारा पोहा बनकर तैयार हो चुका है। और इसको सर्व करने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी ये यहाँ पर इसमें भुजिया डाली है और जो हमने मूंगफली फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है और ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। और अगर हरी मिर्ची पसंद है तो ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि सभी हरी मिर्ची नहीं खाते। इस तरह से देखिए हमारा खट्टा मीठा पोहा बनकर रेडी हो चुका है।